औद्योगनगरी पीथमपुर के सागौर में अनंत चतुर्दशी की रात पारंपरिक आकर्षक झांकियां निकाली गई, जिसे निहारने के लिए हजारों संख्या में नागरिक एकत्रित हुए थे। सागौर के बजरंग व्यायाम शाला द्वारा पारंपरिक रूप से झांकियां निकाली। करीब 8 बजे विधि विधान से पूजन कर व्यायाम शाला प्रांगण इमली बंद से झांकियां नगर में रवाना हुई, जिसे देखने बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण इंतजार कर रहे थे। आकर्षक विद्युत सज्जा में पहली झांकी में भगवान शंकर का नंदी जी द्वारा पूजन एवं फूल माला अर्पण बच्चों और युवाओं को आकर्षित कर रहा था। वहीं दूसरी झांकी में कृष्ण जन्म पर आधारित थी कि राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी मिलन का दृश्य दिखाया गया। झांकियों के बीच अखाड़े के कलाकार अपना प्रदर्शन कर उपस्थित जनता को हैरत में डाल रहे थे। झांकी के अंत में नगर के सभी गणेश मंडल ट्रैक्टर ट्राली में गणेश प्रतिमाओं के साथ चल रहे थे। झांकी का समापन देर रात छोटी सागौर में हुआ। बजरंग व्यायाम शाला की युवतियों ने आत्मरक्षा का प्रदर्शन कर खूब वाहवाही लूटी। युवतियों ने लाठी से अपनी कला का प्रदर्शन किया। झांकी मार्ग पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। थाना प्रभारी विजय वास्कले के अनुसार झांकी मार्ग पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। पुलिस बल सभी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था। सादी वर्दी में कई पुलिस कर्मी भीड़ में शामिल थे, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।